जयपुर से बड़ी खबर है, कांग्रेस आज करेगी राजभवन का घेराव। सिविल लाइन फाटक पर इकट्ठा होंगे कांग्रेसी दिग्गज। राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में ये कांग्रेस का प्रदर्शन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा मौजूद रहेंगे। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित विधायक और विधायक प्रत्याशी, जनप्रतिनिधि, कांग्रेस के पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस का हल्ला बोल आज नजर आने वाला है और इस दौरान तमाम कांग्रेसी दिखाई देंगे, एकजुटता के साथ विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। राहुल गांधी के को लेकर ये प्रदर्शन होगा। राहुल गांधी के खिलाफ जो कार्रवाई की गई उसको लेकर उसके विरोध में ये कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। और सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश जी, जरा तस्वीरें दिखाएं और ये जो प्रदर्शन है कौन कौन इसमें पहुंचना शुरू हो गया है, कब ये प्रदर्शन शुरू होगा? देखिए, मेगा संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस ने राहुल गांधी के समर्थन में पूरे देश भर में आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिया है। राजधानी जो राजस्थान की जयपुर, वहाँ भी लगातार प्रदर्शन और आंदोलन किए जा रहे हैं। अभी दो दिन पहले भी आंदोलन किया गया था और आज फिर है, और देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस का थोड़ी देर बाद ही धरना होगा और राजभवन घेराव का जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। मुख्यमंत्री गहलोत, प्रभारी सुखविंदर रंधावा, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, तमाम मंत्रीगण और विधायक और जयपुर शहर में सभी जो प्रमुख लीडर्स हैं उनकी मौजूदगी यहां पर रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि जो धरना है, और कहा जा रहा है कि इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दिल्ली जा सकता है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। स्वर्णिम जी, लगातार कांग्रेस राहुल गांधी, क्योंकि सबसे बड़े लीडर कांग्रेस पार्टी के, उन्हीं पर टारगेट किया गया है, तो अब किस तरह से कांग्रेस पार्टी दिल्ली में भी प्रदर्शन की रणनीति बनी है और यहाँ पर जयपुर में आज है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि केवल राहुल गांधी एकमात्र नेता हैं जो मोदी सरकार की गलत नीतियों को लेकर के मुखर होते हैं, आवाज़ उठाते हैं, बात करते हैं और जनता के बीच जग गए हैं। और जो ये बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, इसके साथ साथ जो ऐसी नीतियां, क्रोनी कैपिटलिज्म की नीतियां जिसमें आम आदमी को राहत देने की जगह कुछ चुनिंदा जो उद्योगपतियों को राहत दी जाती है, इसका वो विरोध करते हैं। इसी यही कारण है कि राहुल गांधी जी के विरुद्ध समस्त शक्ति जो केंद्र सरकार ने वो लगा दी है और जितनी भी संवैधानिक संस्थाएँ हैं उनका भरपूर दुरुपयोग विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने के लिए किया जा रहा है, इसका हम लगातार विरोध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। हम सब कांग्रेस जन राहुल गांधी जी की सत्य की इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं। जो परिणाम होगा हम सब भुगतेंगे, हम उनके साथ हैं। जो परिस्थिति होगी, जहां लड़ाई लड़नी होगी, जहां दिल्ली, वहां सब कांग्रेस जन जाएंगे। और निश्चित रूप से तय मानिए कि पूरे देश में जो आज आक्रोश है केंद्र सरकार की इस गलत नीति के कारण और जो राहुल गांधी जी के खिलाफ जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं प्रताड़ित करने के लिए विपक्षी नेताओं को, इसका आक्रोश है। आक्रोश के लिए हम सब कांग्रेस जन जो है, स्वर्णिम जी, कंटिन्यू मैं देख रहा हूँ कांग्रेस पार्टी लगातार हेजिटेशन कर रही है, लगातार आंदोलन का रुख अपनाए हुए, तो क्या लगता है कि अब वो समय आ गया जब हर कार्यकर्ता को सड़क पर आना चाहिए? देखिए, हम बिल्कुल सही बात है, कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के लिए लड़ती आई है। हम यहाँ सत्ता में होते हुए भी आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि हम सड़कों पे ना रहे। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो केंद्र सरकार है उसके खिलाफ लगातार आंदोलन किया हमने। बीजेपी ने, राजस्थान इकाई ने हमारे खिलाफ इतने आंदोलन नहीं किए, उसके 10 गुना आंदोलन हमने किए। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उद्वेलित है, सड़क पर आने के लिए तैयार है, हर परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। जहाँ जाना होगा, जितना संघर्ष करना होगा, चाहे उस कितनी विषम परिस्थितियाँ हो जाए, कांग्रेस कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेगा। अब हमारे साथ खानू खान जी भी हैं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन। खानू खान जी, छात्र राजनीति से आपको मैं लगातार देख रहा हूँ, एकदम से कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक राजनीतिक संकट कहा जा सकता है कि तैयारी की जा रही है, क्या लगता है आपको? जिस तरह से राहुल गांधी को घेरने का काम हो रहा है, तो पूरे देश में एक वातावरण कांग्रेस ने बनाया आंदोलन का? देखिए, आप मान के चलिए, हिंदुस्तान के प्रजातंत्र का गला घोटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप कभी कांग्रेस, कभी अन्य जो विपक्ष दल हैं उनके बड़े लीडरों को कहीं ना कहीं सीबीआई, ईडी या कहीं ना कहीं इस तरह की छोटी मोटी घटनाओं को लेके उस पर आपातकालीन की तरह एक छोटा छोटा नोटिस दिया जाना, क्या भारतीय जनता पार्टी का राजनेता अगर मार्केट बाजार में कहीं जाता है या घूमने या कहीं राजनीति पार्टी करने जाता है तो क्या उनको कोई, आप जो पीड़ित आदमी, क्या उनको नोटिस या अपनी अवगत नहीं करवाता कि अपनी मेरी
की भावना ही है, मेरे खिलाफ ये घटनाएं हो रही है, तो क्या दिल्ली पुलिस के द्वारा इस घटनाओं की तरह नोटिस दिया जाना न्यायालय का सम्मान है? न्यायालय का सारे दुनिया सम्मान करती है, क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग मानते हैं? मानते तो फिर मनुवादी बात क्यों करते हैं? मनुवादी ताकतों क्यों बात करते हैं? जो हिंदुत्व की बात करते हैं उनकी बात क्यों करते हैं? कभी वो जो वहाँ की सांसद चाकू रखने की बात करते हैं, कभी तलवार रखने की बात करते हैं, क्या कभी भाजपा के शासनकाल में भाजपा के लोग इस तरह की घटनाओं में कभी खिलाफ क्या कार्रवाई करने की हिम्मत रखते हैं? ये आज सभी विपक्ष के लोगों को इस प्रजातंत्र के बचाने के लिए एक और लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, एक और लड़ाई पुनः प्रजातंत्र को बचाने के लिए। क्या अब दिल्ली कूच की तैयारी है राजस्थान की? कांग्रेस का हर कार्यकर्ता शामिल होगा? देखिए, हर छोटा बड़ा कार्यकर्ता या चाहे विपक्ष के लोग, हर आदमी चाहता है कि 27 तारीख को जो होने वाला जो प्रोग्राम है रामलीला मैदान में, हर आदमी को जाना चाहिए, प्रजातंत्र को बचाना चाहिए। जो भाजपा प्रजातंत्र की कल तक तो बात करती थी, आज राजतंत्र की ओर अग्रसर हो रही है अपने ही लोगों के द्वारा। जो कल तक वो राजनाथ सिंह जो बोलने नहीं दिया जाता, गडकरी जी को बोलने नहीं जाता, आडवाणी को उन्होंने बंद कर दिया, ऐसे खुद के लीडरों को बंद करें, तो विपक्ष के जिस तरह का व्यवहार कर रही है, निश्चित रूप से आम आदमी रामलीला मैदान जाएगा और इस कांग्रेस को बचाने का और प्रजातंत्र को बचाने का कार्य करेगा। आप देख सकते हैं और ये तस्वीरों में दिखाएंगे, तमाम प्रमुख नेता पहुंचे हैं यहाँ पर, प्रदेश कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी उनकी मौजूदगी है और बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। आप देख सकते हैं उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री नमोनारायण मीणा भी पहुंचे हैं। और ये कहा जा सकता है कि जिस तरह का घटनाक्रम है और जिस तरह की यहाँ पर तैयारी है, हम उनसे बात भी करेंगे, नमोनारायण जी से बात करेंगे और हम कहा जा सकता है कि पूरा जो नमोनारायण जी हमारे साथ है, नमोनारायण जी लगातार कांग्रेस पार्टी और जिस तरह का ये राहुल गांधी के खिलाफ कहा जा सकता है कार्रवाई हो रही, क्या कहेंगे आप? खुद केंद्र में मंत्री रहे, देखिएगा कांग्रेस के प्रति एक तरीके से उसको हतोत्साह करने के लिए ये सारे सब हो रहे हैं। राजनीति में भाषण चलते रहते हैं, एक छोटी सी चीज़ को लेकर के और इतना बड़ा इशू बना लिया। ये तो ठीक है, अदालतों में लड़ेगी कांग्रेस, अदालत का मामला है, लेकिन ये कि सब अपोजिशन के लीडरों को किसी न किसी तरीके से प्रताड़ित किया जाए, छापे पड़वाए जाएं, केस लगवाए जाएं और ताकि उनको किसी तरीके से डिमोरलाइज किया। क्या रमोनारायण जी, क्या लगता है आपको कि इस तरह अडानी के मसले को राहुल गांधी ने उठाया, कांग्रेस ने उठाया, तो कारण यही माना जाए कि कांग्रेस को घेरा जा रहा है? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस को घेरा जा रहा, सारी अपोजिशन पार्टियों को घेरा जा रहा, कांग्रेस नहीं और भी दूसरी अपोजिशन पार्टियों को घेरा जा रहा, तरह तरह के दबाव डाले जा रहे हैं, ये भी है। और ये तो खैर एक अदालती मुद्दा है जिसको कांग्रेस पार्टी राहुल जी लड़ेंगे, ऊपर तक जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ भी जाना होगा जाएंगे। लेकिन जिस तरीके के ये मुकदमेबाजी कांग्रेस के और दूसरे अपोजिशन के नेताओं के, ये प्रजातंत्र में अच्छी परंपरा नहीं है। ब्रजकिशोर जी भी हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे उनसे। ब्रजकिशोर जी, क्योंकि अब कांग्रेस पूरी तरह, मुझे लगता है कि ये कहा जा सकता है कि जयपुर से लेकर दिल्ली तक कूच हो रहा है। हाँ, जयपुर से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस का कार्यकर्ता करना चाहिए कांग्रेस मैन को, क्योंकि जिस तरीके से मोदी सरकार ने जो दमनकारी नीति अपना रखी है, जो भी कोई कुछ बोलता है उसको इस तरीके का ईडी सीबीआई केस में इसमें उसमें फंसाने के अलावा कोई काम नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। चलिए, और देख सकते हैं लगातार यहाँ कार्यकर्ताओं को देखिए आप, बड़ी तादाद में यहाँ पर, और ये वकील समुदाय से बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं और लगातार लोगों का पहुँचना जारी है। और ये कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी और तमाम प्रमुख नेता हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील जी से बात करें, सुशील जी कहेंगे आप बहुत बड़ी संख्या में वकील समुदाय के लोग हैं, क्या कहेंगे? पूरे देश में तानाशाही का माहौल बना हुआ है, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे जितने भी संस्थाएँ हैं, इनका दुरुपयोग हो रहा है। लोकतंत्र में बोलने की आवाज़ को दबाया जा रहा है। राहुल गांधी के साथ जो अन्याय हो रहा है उसमें वकील, राजस्थान के वकील, देश भर के वकील उनके साथ खड़े हैं और मजबूती के साथ हम जुलूस के साथ नारे लगाते हुए धरना स्थल पर पहुंचे हैं। बार काउंसिल के चेयरमैन, बार काउंसिल के मेंबर, हमारे विधि विभाग के अध्यक्ष और हमारे सारे पदाधिकारी
और आम वकील ये इस अन्याय के खिलाफ राहुल गांधी के साथ खड़ा है। बार काउंसिल के चेयरमैन भी हमारे साथ यहाँ पर सभी एकजुट होकर इकट्ठे होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार अभी भी पहुंचने का सिलसिला जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी इस पूरी तस्वीर के लिए, जानकारी के लिए।